हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने डॉग की पपी बाइटिंग कैसे कंट्रोल करो। मैं दो एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज एक ही है, उसके अंदर दो पार्ट कह सकते हो आप, वो नहीं तो वो कर लो, वो कर लो, कुछ ऐसे सिस्टम कर सकते हो। तो ये हमारी जो डॉग ट्रेनिंग की जो सीरीज बना रहे हैं, प्लेलिस्ट है, उसका पार्ट होगी ये वीडियो। अब बात करते हैं कि पपी बाइटिंग क्यों करता है कोई पपी। वो इसलिए करता है क्योंकि जो पपी होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन बेबीज का एग्जांपल ले लेते हैं कि उनके जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके दांत नए आ रहे होते हैं, टीथ्स नए आ रहे होते हैं, तो उनको ना खारिश होती है और वो हर चीज अपने माउथ के अंदर लेना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे, अपने ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही सेम सीन जो होता है ये डॉग्स में होता है। तो जैसे पहली अब मैं एक्सरसाइज बताता हूँ कि कैसे रोकूं। जैसे थोर अभी पपी बाइटिंग करने लग रहा है, देखो मेरी उंगलियों को काट रहे हैं, अब कैसे इसको मना करना है। थोर नो, और इसका जो मुंह है ना, जैसे इसने तो अभी छोड़ दिया, और डॉग्स कई बार छोड़ते नहीं है क्योंकि इसको प्रैक्टिस हो रही है, मैं छोड़ देता हूँ। तो जैसे मैंने इसका मुंह होल्ड कर रखा है, ध्यान रखना कि इसकी जीभ दांतों के बीच में ना आए, पर ऐसे होल्ड कर रखे 10 सेकंड के लिए। अब 10 सेकंड हो चुकी है, मैंने बात कर ली 10 सेकंड तक, आप मन में गिन लो। तो 10 सेकंड तक होल्ड करो, ज्यादा जोर से नहीं करना, बस हल्का सा इसे पता चले कि नहीं ये गलत है, अब चला जाएगा, अब नहीं करेगा। तो एक तो ये एक्सरसाइज करो आप, जो भी आपका डॉग अगर पपी बाइटिंग ज्यादा कर रहा है तो अभी चाटेगा, देख लो ये चाट है अभी, ये पपी बाइटिंग नहीं कर रहा। तो दूसरा क्या है, जब अगर कोई डॉग आपका जैसे ऐसे पपी बाइटिंग करे तो उसका ध्यान डाइवर्ट कर दो किसी और चीज में। ऐसे अगर वो पपी बाइटिंग कर रहा है, जैसे ये कर रहा है, तो ये वाला पैर है हल्का सा दबा दो, हल्का सा, इसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, उसको हाथ को छोड़ के उस तरफ देख ले, है ना। बस उसका ध्यान डाइवर्ट करना हमें डॉग का, और ज्यादा करे तो फिर आपको मैंने जो एक्सरसाइज कही है वैसे कर लेना, तो ये सही हो जाएगी पपी बाइटिंग। और ये हर पपी में आती है, हर पपी में क्यों आती है, क्योंकि इसका रीजन मैंने बता दिया, इनके टीथ्स आते हैं और टीथ में इनको खारिश होती है, इचिंग होती है, इस वजह से ये कोई भी चीज आती है वो अपने मुंह में ले लेते हैं और चबाने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है, इसे आप अपने डॉग्स पे अप्लाई करो और मुझे बताना कि मतलब आपके डॉग्स में कुछ प्रोग्रेस हुई है, कमेंट्स करके बता सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है या फिर आपको यूं लगा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो इसे लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।